أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم जिन लोगों ने कुफ्र किया बराबर है उनको डराओ या न डराओ वो ईमान नहीं लाने वाले हैं अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आँखों पे पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है ये आयत नंबर छः और सात है सोर बकरा की और इससे पहले पांच आयतें जो सरह बकरा की इब्तई आयतें हैं वो आपके सामने आई हैं और उन आयतों में बहुत अहम हकीक़तें बयान की गई हैं पहली बात तो उन आयतों में ये आई कि ये वो किताब है वो किताब इलाही है जिसका वादा किया गया था जिसका इंतज़ार था जो तुम्हारी जो दुआ है स़रात मुस्तकीम की उसका जवाब है और किताब इलाही होने में कोई शक नहीं ये अल्लाह की किताब है इसमें कोई शक और कोई शुभा नहीं है फिर ये बात बताई गई थी कि अगरचे ये सबके लिए रोशनी है रहनुमाई है लेकिन अमला इससे फ़ायदा वही लोग उठाएंगे जिनके दिल में अल्लाह का डर हो हदायत तो सबके लिए है लेकिन जो अपनी आखिरत को बनाना चाहता हो अल्लाह का क़ुरब हासिल करना चाहता हो निजात की फ़िक्र हो वही इस किताब से फ़ायदा उठाएगा अब जैसे जिसको इम्तिहान की फिक्र होगी वही ना तैयारी करेगा और जिसको फिक्र ही नहीं होगी उसके लिए जितनी गाइड बुक है सब बेकार है इसलिए कि उसके दिल में उसके लिए कोई जज्बा ही नहीं कोई तलब ही नहीं कोई ही नहीं तो अमली फ़ायदा इस कुरान से वही लोग उठाएंगे जो अपनी आखिरत को बनाना चाहते हैं अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हैं और उसके बाद ऐसे मुतकीन की कुछ सिफात बयान की गई हैं पहली उनकी सिफत जो बयान की गई है वो क्या है अल मेनू न कि गैब में रहते हुए ईमान रखते हैं गैब में रहते हुए ईमान रखते हैं मतलब क्या है कि वो सूझबूझ से भी काम लेते हैं अकल से भी काम लेते हैं शौर से भी काम लेते हैं दलाइल की रोशनी में जो बात साबित हो जाए उसको मान लेते हैं वो ये ज़िद नहीं करते हैं कि जब तक हम नहीं देखेंगे नहीं मानेंगे अल्लाह ने दिया है शोर दिया है समझ दिया है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अक्ल और शोर से समझ में आती हैं दलाइल से समझ में आती हैं तो ग़ैब में रहते हुए ये ईमान लाते हैं तस्दीक करते हैं ईमान के मतलब है तस्दीक करना मानना तस्लीम करना और यहाँ इसका ज़िक्र नहीं किन चीज़ों पर ईमान रखते हैं लेकिन उसका तस्करा कुरान मजीद में जगह जगह किया गया है मुसलमान होने के लिए छः चीज़ों पर ईमान लाना उनको मानना और उन पर यकीन करना ज़रूरी है वो छह चीज़ें क्या हैं अल्लाह पर ईमान फ़रिश्तों पर ईमान आसमानी किताबों पर ईमान रसूलों पर ईमान आखिरत पर ईमान और तकदीर पर ईमान इन छह चीज़ों को तस्लीम किए बग़ैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता कोई शक और कोई शुभा नहीं होना चाहिए और इन छह चीज़ों को दिल से तस्लीम करना चाहिए अल्लाह पर ईमान फरिश्तों पर ईमान अल्लाह को हमने नहीं देखा लेकिन है लेकिन अल्लाह की निशानियाँ इतनी हैं इस कायनत में कि हम उस पर ईमान रखते हैं अल्लाह ताला की तख्लीक़ की जो निशानियाँ हैं और अल्लाह ताला के वजूद पर दलालत के तौर पर पूरी कायनत है तमाम चीज़ें हैं इसलिए हम उस पर ईमान रखते हैं फ़रिश्तों पर ईमान आसमानी किताबों पर ईमान और उसी के साथ साथ रसूलों पर ईमान कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अंधेरे में नहीं छोड़ा है बल्कि उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए रसूलों को भेजा सबसे पहले नबी और रसूल कौन थे हज़रत आदम और सबसे आखिरी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत पर ईमान तकदीर पर ईमान अल्लाह का फैसला ही नाफिज होता है अल्लाह की मशीयत ही नाफिज होती है अल्लाह के जो फ़ैसला उसको कोई टाल नहीं सकता है तो ये वो चीज़ें हैं जिनको तस्लीम किए बग़ैर कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता इसको मानना ज़रूरी है और एक बात और जान लेनी चाहिए कि जो ईमान है तो ईमान के अंदर दिल से इतमिनान और तस्दीक भी ज़रूरी है दिल पूरा मतमिन हो जबान से उसका इजहार होता है कहते ला अला मोहम्मद रसुल अरश हद्ल्ला व अरशद महम्मद अब्दू रसूल मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं तो दिल में तस्दीक हो जबान से उसका इकरार हो और से भी उसकी गवाही हो अमल से गवाही कैसे होगी अल्लाह की फरमा बरदारी अल्लाह के एत अल्लाह की, अल्ला की नाफरमानी से बचना इन तीनों चीज़ों से मिल के ईमान बनता है अगर दिल के अंदर तस्दीक नहीं है दिल के अंदर यकीन नहीं है और ज़ुबान से इजहार कर दिया तो इसे क्या कहते हैं अतलाह में नफाक तो मुनाफिक है दिल के अंदर कुफ्र है दिल के अंदर शक है और फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़ुबान से कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ तो दिल के अंदर यकीन होना चाहिए ज़बान से उसका इज़हार होना चाहिए अमल से उसकी शहादत और उसकी गवाही मिलनी चाहिए तब वो ईमान जो है वो मोतबर होता है ईमान मुकम्मल होता है तो उनकी पहली सिफत ये बयान की गई है कि वो गैम में रहते हुए ईमान रखते हैं दूसरी सिफत ये बयान की गई है कि वो नमाज़ का अहतमाम करते हैं नमाज क़ायम करते हैं नमाज क़़ायम करना ये क़ुरान मजीद की एक अतलाह है और नमाज कायम करने के मतलब ये होता है कि नमाज का हक़ अदा करना दिल लगा के नमाज पढ़ना पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना ज़ाहरी आदाब बातिनी आदाब ज़ाहरी आदाब हैं कि जैसे आप वक्त की पाबंदी करें तहारत हो पाकिजगी हो ये तमाम चीजें हो बातिनी आदाब दिल लगा के नमाज़ पढ़ना खुशूखजू खुशू जिसे कहते हैं ये एहसास हो कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं तो जब ओ और बातनी तमाम आदाब की रियायत होती तो नमाज के असरात हमारी ज़िंदगी पर ज़ाहिर होते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है इसलात तनहा अनिलफ़ वलमनकर नमाज़ फाश कामों से रोकती है और मुनकर से रोकती है नाफ़रमानी से रोकती है इसका मतलब ये है कि अगर कोई नमाज भी पढ़ता है फ़हश काम भी करता है तो इसका मतलब वो ठीक से नमाज नहीं पढ़ रहा वरना तो नमाज का असर ज़ाहिर होता नमाज भी पढ़ रहा है और बुराई में भी लतपत है जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उसका भी लिहाज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसकी नमाज जो है वो सही नमाज नहीं है सही नमाज अगर होगी तो उसका असर ज़िंदगी पे जाहिर होगा एक सलात का मतलब यही कि नमाज उस तरह से पढ़ी जाए जिस तरह से नमाज पढ़ने का हक है का मतलब ये है किसी मानवी चीज़ के लिए अगर एक का लफ्ज़ आए तो उसका मतलब उसका हक अदा किया जाए नमाज का हक़ हाँ अदा किया जाए तो दूसरी सिफत उन लोगों की बयान की गई है कि ये वो लोग हैं जो नमाज का अहतमाम करते हैं नमाज की पाबंदी करते हैं और तीसरी सिफत उनकी बयान की गई कि जो कुछ अल्लाह ने दिया उसमें से ख़र्च करते हैं इनफ़ाक, अल्लाह के रास्ते में दिल खोल के खर्च करते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो तंग दिल नहीं होते हैं वो बखील नहीं होते हैं वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते उनको यकीन होता है कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें अल्लाह बरकत देगा उनको इस बात का यकीन होता <immra algum> <sound> है, है।, है कि इन्फाक़ से माल में कमी नहीं होती है बल्कि <text>: <heaven gardens> इफाक़ से माल में और इजाफा होता बरक़त होती है और यहाँ इफाक़ से मुराद सिर्फ ज़कवात ही नहीं है ज़क़़़़़त सदक़त खैरत तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं इसके अंदर दाखिल हैं तो दूसरी सिफत उनकी यह है कि वो इफ़ाक़ करते हैं अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं उनका दिल जो है हिर से हवस से बखल से कंजूसी से पाक है तीसरी सिफत उनकी क्या बयान की गई तीन सिफत हो गई एक तो गैब में रहते हुए ईमान दूसरे नमाज का अहतमाम तीसरे इन्फाक़ चौथी चीज़ उनकी ये बयान की गई है कि कुरान पर भी ईमान रखते हैं और इससे पहले की जो आसमानी किताबें हैं उस पर भी ईमान रख उनके अंदर तासुब नहीं है यहूद जो है अपने अलावा सबको गुमराह समझते थे नशारा समझते थे कि हम ही सब कुछ हैं किसी और को मानने के लिए तैयार नहीं थे तो ये जो अहले ईमान है ये जो मुतकी लोग हैं इनके दिलों के अंदर वसूत है कुशादगी है तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं उनके यहाँ तसब नहीं है उनके यहाँ तंग नजरी नहीं है बल्कि कुशादा दिली है। और उसके बाद जो पाँचवीं सिफत उनकी बयान की गई है वह बिल आख़िरत होम यू आखिरत पर यकीन कामिल रखते हैं आखिरत पर अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही ज़ज़ा पर पूरा उनको यकीन है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि अल्लाह के सामने पेशी होगी तो ऊपर जो ईमान बिल गए है उसके अंदर आखिरत भी शामिल है लेकिन अलग से उसका तस्करा इसलिए कर दिया गया है कि ईमान बिल आखिरत जो है अमली लिहाज से बहुत ही अहम चीज़ है आखिरत पर जितना यकीन होगा आदमी की ज़िंदगी उतनी ही राह रास्त पर होगी वो नेकी का अहतमाम करेगा गलत कामों से बचेगा जुल्म से बचेगा जाति से बचेगा आखिरत का यकीन जितना मजबूत होगा उतना ही आदमी राह रास्त पर गजन रहे इसलिए आखिरत का जिक्र बार बार किया गया है अल्लाह के सामने जवाब देगा एहसास आदमी अकेले में है गुनाह कर सकता है लेकिन उसे ये एहसास होता है कि अल्लाह देख रहा है अल्लाह क्या मुँह देखाऊँगा अल्लाह के सामने जवाबदेही करनी है तो उसका ख़ास तौर से ज़िक्र किया गया है ये बताया कि ये लोग जो ईमान लाए हैं और जाहिर है कि ये मदनी सुरह है साहब कराम का माशरा मौजूद है उनका समाज मौजूद है तो उनकी तस्वीर लोगों के सामने रख दी गई कि देखो जो लोग क़ुरान पर ईमान लाए उनकी ज़िंदगी कैसी है कितने पाकिज़ा लोग हैं उनकी सीरत कैसी है उनका किरदार कैसा है किस तरीके से वो अल्लाह की इबादत करते हैं किस तरीके से वो ग़ैब में रहते हुए ईमानियात का सबूत देते हैं किस तरह से अल्लाह के मंदों की मदद कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दे रहे हैं तो आप देखिए कि मक्का से हिजरत करके लोग आए हैं मदीना और अनसार ने उनको गले लगाया और सब कुछ उनके सामने पेश किया कि हमारा घर आपके लिए है हमारा माल आपके लिए हर तरह से हम मदद करने के लिए तैयार है ये इनफाक का जज्बा पैदा हुआ किससे ईमान से इस कुरान की तासीर से तो उनकी तस्वीर पेश की जा रही है कि जो लोग ईमान लाए हैं और कुरान से फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी ज़िंदगी देखो कैसी है तासुब नहीं है तंग नजरी नहीं है हसद नहीं है बोग्ज़ नहीं है इन शफात से वो मुतसफ़ है उसके बाद आगे की जो दो आयतें हैं इसमें उन लोगों का ज़िक्र है जो इनकार करने वाले हैं जो रसालत पर ईमान नहीं लाए कुरान पर ईमान नहीं लाए जो ना का मुजाहरा कर रहे हैं इनकार का मुजाहरा कर रहे हैं एक तरफ़ तो ये अहिल ईमान है जिनके दिलों में तकवा है कुरान पर ईमान लाएँ उनकी ज़िंदगी देखो कैसी है और जो लोग इनकार कर रहे हैं जो लोग कफ्र कर रहे हैं उनका क्या हाल है ये जो है दो आयतों में उनका ज़िक्र है दूसरा ग्रोह है जो उस वक्त वहाँ मौजूद है, है। इन लदीन जिन लोगों ने कुफ्र किया ईमान और कुफ्र ये एक दूसरे की ज़िद है ईमान के माने मानना तस्दीक करना तस्लीम करना और कुफ्र के माने इनकार करना एक दूसरे की जिद है जो लोग रसालत पर ईमान नहीं रखते जो कुरान पर ईमान नहीं रखते जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते जो फरिश्तों पर ईमान नहीं रखते जो रसूलों पर ईमान नहीं रखते आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनका हाल क्या है देखो ये जो लफ्ज़ है कुफ्र इसके माने होते हैं छुपाना बुनियादी माना जो इसका है छुपाना ढाक देना ना शुक्री करना इसमें इनकार कमाना भी है और ना शुक्री का माना भी है जैसे अहिल ईमान की बुनियादी सिफत ये कि वो शुक्रगुजार है शुक्रगुजार है वो जानते हैं जितनी नियमतें हैं सब अल्लाह की दी हुई है इसलिए अल्लाह तला का शुक्र अदा करना चाहिए हमद और शुक्र और सपाश के जज्बात से उनके दिल भरे होते हैं एहसान मंदी वो जानते हैं जो कुछ है सब अल्लाह का दिया हुआ है मेरी कोई चीज़ नहीं है सब अल्लाह की बख्शी हुई है इसलिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए तो उनके अंदर एहसान मंदी है जज्बे शुक्र है और जो इनकार करने वाले हैं उनके अंदर क्या है नाशुकरी है अल्लाह की नेमत का एहसास नहीं है अल्लाह ताला के तालुक से एहसान मंदी का जज्बा नहीं है नमत इस्तेमाल करते हैं लेकिन नेमत देने वाले के शुक्रगुज़ार नहीं हैं वो तो नाशुकरी भी करते हैं वो और जिन चीज़ों पर ये मान लाना चाहिए मानना चाहिए उनका इनकार करते हैं उनके अंदर कुफ्र है नाशक्री है कुफरान नेमत है अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं ना शुक्री करते हैं और जो चीज़ें उनके सामने कुरान पेश कर रहा है रसूल पेश कर रहा है उसका इनकार कर रहे हैं इन लजीन कफ़रू जिन लोगों ने कुफ्र किया जो इनकार कर रहे हैं सवाउन अलैहिम आरत हम अम लम तुंजर हम बराबर है इनके लिए चाहे इनको डराओ चाहे इनको मत डराओ आगाह करो चाहे इनको आगाह मत करो ये ईमान लाने वाले नहीं नबी का जो काम होता है नबी का काम बशारत देना भी है और आगाह करना और वार्निंग देना भी है दोनों काम नबी करता है बशारत किस बात की देता है कि अगर तुम ईमान ले आए अमले साले किया तुमने अपने आप को तुमने सुधार लिया तो इसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारे लिए जन्नत है जन्नत की बशारत अल्लाह की रज़ामंदी की बशारत दुनिया के अंदर भी तुमको सुकून मिलेगा और आखिरत में अल्लाह का इनाम मिलेगा ये बशारत है। दुनिया के अंदर भी जो सुकून है वो ईमान के अंदर है आदमी को इत्मीनान नसीब होता है कि वो सही रास्ते पर है हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी तंगी से गुजर रही हो हो सकता है कि रोज़ी बहुत कुशादा ना हो लेकिन उसे इत्मीनान होता है कि वो राह रास्त पर सही रास्ते पर चल रहा है वो अल्लाह को याद करता है उसे इत्मीनान नसीब होता है अला बिक्रतमाइनलूब अल्लाह की याद से दिलों को इतमिन नसीब होता है अल्लाह के रसूल रसुलसरसल ने फ़रमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई आदमी नमाज पढ़ता है तो उसे सुकून हासिल होता है इतमान हासिल होता है तो जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो अल्लाह ताला ने क़ुर मजीद में वादा किया है कि उनको हयात तयबा नसीब होती है हयात तयबा क्या पुरसकून ज़िंदगी सुकून किस चीज़ में है अल्लाह की याद में है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग दौलत की रेल पेल है लेकिन परेशान है नींद नहीं आ रही ब्लड प्रेशर का शिकार है हैं ज़िंदगी उनकी बिल्कुल से अजीरन है हालांकि कभी कुछ नहीं है बहुत कुछ है लेकिन जिसे सुकून कहते हैं वो सुकून उनको हासिल नहीं है क्योंकि ये सुकून जो है ये तो अल्लाह की याद में है अल्लाह से ताल्लुक मज़बूत होगा तो आदमी गरीबी में भी मतमिन रहेगा और अगर अल्लाह से ताल्लुक मजबूत नहीं तो रूह बेचैन रहेगी हयात तैयबा का मतलब यह है कि रूहानी सुकून भी हो इतमान भी हो नेक औलाद भी हो घर के लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं तो जो सुकून मिलता है वो सुकून दौलत में नहीं है वो किसी और जुनेबी चीज़ में नहीं है वो याद अलाम है तो ये नबी इस बात की बशारत देता है कि अगर तुम ईमान के रास्ते पे चलोगे और अमल साले अख्तियार करोगे तो दुनिया में भी सुकून मिलेगा हयात तयबा नसीब होगी और आखरत की कामयाबियाँ तो पूछना ही नहीं है ये तो खैर इम्तिहान की जगह है तंगी और तुरशी से भी गुजर जाएगी लेकिन आखरत में जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है तुम उसका यह तस्वूर नहीं कर सकते हो तो वो बशारत देता है दुनिया और आखरत की कामयाबी की दुनिया और आखरत की नेमतों की अल्लाह ताला की मईत हासिल होगी नुसरत हासिल होगी ताइद हासिल होगी अल्लाह की रज़ा हासिल होगी और डराता किस बात से अगर तुम ईमान नहीं लाओगे ना शुक्री करोगे और कुफराने नेमत करोगे अल्लाह की नाफ़रमानी करोगे दुनिया में भी परेशान और आखिरत में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं पाओगे जहन्नम का अजाब है दर्दनाक अजाब है जिसके तस्वूर से रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं तो जाहिर है कि जब मुनक्रन से बात होगी तो वहाँ इंजार का पहलू गालिब होगा वार्निंग के पहलू गिब बताए तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो तबाही का रास्ता है ये कहाँ जा रहे हो तुम तो? जहन्नम की तरफ जा रहे हो अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हो अल्लाह की गिरफ्त से तुम बच नहीं सकते हो इसलिए यहाँ इंजार की बात कही गई नबी दोनों काम करता है बशारत भी देता है वार्निंग भी देता है लेकिन यहाँ चूँकि मौानदीन का जिक्र है कुफार का जिक्र है इसलिए यहां इंजार की बात कही गई है। तो कहा जा रहा है कि ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया है चाहे तुम इनको डराओ चाहे तुम इनको मत डराओ चाहे इनको वार्निंग दो चाहे इनको वार्निंग मत दो इनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है ये ईमान नहीं लाएंगे ये ईमान लाने वाले नहीं हैं अब आप गौर कीजिए तो जाहिर है कि यहाँ तमाम कुफार मुराद नहीं हैं, क्योंकि बहुत से लोग उस वक्त जो कुफर की हालत में थे बाद में मुसलमान हुए वो और यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये ईमान लाने वाले नहीं हैं तो अल्लाह ताला की जो बात है झूठी तो नहीं सकती तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मखसूस लोग मुराद हैं तमाम कुफार मुराद नहीं है यहाँ तमाम कुफार मुराद नहीं ऐसे है। लोग हैं जिनके बारे में कुरान ये कह रहा है कि इनके लिए समझाना न समझाना सब बराबर ये ईमान नहीं लाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ मुराद कौन लोग हैं हैंतुलफ हैं उस वक्त जो मुश्रकिन के सरदार थे और यहूद के सरदार थे जो पूरी कौम को भटका रहे थे और पूरी कौम को गलत रास्ते पे लेके जा रहे थे और जानबूझ के इनकार कर रहे थे व बिहा व्या था जो बड़े बड़े सरदार होते हैं लीडर होते हैं वो जानते हैं कि हक है लेकिन उनको क्या बात होती है जो रोकती है दुनिया की मोहब्बत इकतदार छिन जाएगा ये सब चीज़ें चली जाएंगी हमारी चौदह-आठ ख़त्म हो जाएगी ये कुछ जो सजा हुआ है सब दरबार ये सब खत्म हो जाएगा जानबूझ करके वो इनकार करते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं उनके ऊपर डबल मवाल है ख़ुद भी गुमराह होते हैं और अपने जो कौम के लोग हैं उनको भी गुमराह करते यहाँ जो लो लोग मुराद हैं वो अम्मतुल्कुफ्र सरदार लोग हैं लीडर लोग हैं ये जो पूरी कौम को गुमराह के रास्ते पे लेकर के जा रहे हैं तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि जान बूझ करके ये इनकार कर रहे हैं इसलिए अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है अगर कोई आदमी गलत फहमी का शिकार हो उसको समझाया जा सकता है कुछ शुभात हों तो उनको दूर किया जा सकता है इतमान नहीं है तो उसको इतमान दिलाया जा सकता है जो जानता है इसके बावजूद नहीं मानता है उसको आप क्या समझा सकते हैं उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है तो यहाँ जो लोग मुराद हैं ये कौन लोग हैं ये अम्बतुल्कुफ्र हैं छोटी के लोग सब कुछ जान करके सबको गुमराह कर रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि चाहे तुम उनको समझाओ चाहे मत समझाओ ये मानने वाले नहीं ये ईमान नहीं लाएंगे इसमें यहूद के सरदार भी हैं, मुश्रकिन के सरदार भी हैं उसके बाद फरमाया ख़म अल्लाह वाल कलूब हिम वह अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है जब कोई लिफाफा सील कर दिया जाता है तो अब उसके अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकती बंद है सील बंद हो गया वो मोहर बंद हो गया इनके दिलों पर और इनके कानों पे मुहर लगा दी गई है और इनकी आँखों पे पर्दा है यहाँ तीन चीज़ों का ज़िक्र है दिल कान आँख अच्छा ये तीन क़तें ऐसी हैं जिनसे इंसान तमाम चीज़ों को अक्स करता है मालूमात को अक्स करता है गौर करता है तो बहुत सी चीज़ें उसकी समझ में आती हैं सुनता है तो बहुत सी मालूम में उसके इजाफा होता है देखता है ये बुनियादी चीज़ें हैं ना इल्म हासिल करने के लिए आदमी के लिए बुनियादी चीज़ें हैं आदमी देख करके के बहुत सी चीज़ों की जानकारी हासिल करता है मुशाह तो करता है सुनने से बहुत सी चीज़ें हासिल होती हैं और गौर करता है दिल से दिमाग से गौर व फिक्र करता है निशानियों पर अल्लाह ताला की जो निशानियां कायनात के अंदर हैं अब अगर इन तीनों तीनोंवतों से कोई आदमी काम न ले तो वो कैसे राह रास्त पे आ सकता है इंसान की तो खसूसियत यही है कि अल्लाह ताला ने उसे सोचने की सलाहियत दी है उसे देखने की सलाहियत दी है उसे सुनने की सलाहियत दी है उसको इन इनतों को इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन अगर किसी की सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाए सुनने की सलाहियत ख़त्म हो जाए उसको काम ही में न लाए वो देखने की साहयियत ख़त्म हो जाए तो कोई चीज़ उसके ऊपर असर नहीं करेगी यहाँ जो बात कही जा रही है ये अल्लाह ताला की एक सुन्नत की तरफ इशारा है अल्लाह ताला के एक क़ानून है आप अगर हदायत के रास्ते की तरफ चलना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उस रास्ते को आसान कर देगा आपके लिए आप नहीं चलना चाहते हैं ज़बरदस्ती आपको नहीं ले जाएगा आदमी जब मुसलसल ना करता है कुफ्र करता है नाफ़रमानी करता है तो धीरे 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 उसका जो दिल है वो जंग आलूद हो जाता है नाफरमानी की वजह से मासीत की वजह से गुनाह की वजह से और कबूलियत हक की सलाहियत ख़त्म हो जाती है तो उसी कैफियत की तरफ यह इशारा किया जा रहा है कि अल्लाह की सुन्नत है और चूंकि ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं जानबूझ के इनकार कर रहे हैं कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है सुनने के लिए तैयार नहीं है देखने के लिए तैयार नहीं है गौर करने के लिए तैयार नहीं है तो धीरे धीरे सूरत हाल ये हो गई है कि इनकी ये जो सलाहियतें हैं ये सलाहियतें शलब हो गई हैं आप जब इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ये चीज़ें जंगाल हो जाएंगी ख़त्म हो जाएंगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में सियाह दाग पड़ जाता है फिर उसे शर्मिंदगी होती तोबा करता साफ़ हो जाता है दिल साफ हो जाता है नहीं तोबा करता है फिर गुनाह करता है तो वो दाग बढ़ता है फिर करता है बढ़ते 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 पूरा दिल स्या हो जाता है जब पूरा दिल स्या हो जाएगा तो नसीहत कबूल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है समझाते रहे किसी चीज़ कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान ने कहा कल्ला बलरानाला कलू बेहिम बे मानू योन इनके दिल पे जंग लग गया है इनकी बदामाली की वजह से अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता है अल्लाह ताला किसी के साथ जाति नहीं करता है आपने रास्ता ही ऐसा अख्तियार किया है कि उसका नतीजा ही निकलने वाला है आप इनकार कर रहे हैं नाशोक कर रहे हैं जानबूझ के तमाम चीज़ों को ठुकरा रहे हैं उसका नतीजा ये होगा कि दिल की जो सलाहियत है वो भी ख़त्म हो जाएगी आँखों का जो काम है वो भी ख़त्म हो जाएगा इबरत नहीं हासिल करेंगे समाज जिस लिए है उसका भी असर जाहिर नहीं होगा उसी की तरफ यहाँ इशारा किया गया है ये अल्लाह ताला का एक कानून है उसकी एक सुन्नत है अल्लाह ताला की तरफ से कोई ज्यादती नहीं है ना इंसाफ़ी नहीं है फरमाया कि इनके अमल की वजह से ये जो चौधरी लोग हैं ये जो कुफर हैं ये जो लीडरान हैं इनका जो तर्ज अमल है उसका नतीजा ये निकला है कि इनके दिलों पर महर लग गई और इनके कानों पर महर लग गई है और इनकी आँखों पे पर्दा पड़ गया है आदमी देखे और उससे इबरत ना हासिल करे तो क्या हुआ देखना ना देखना दोनों बराबर हो गया अच्छा एक चीज़ और गौर कीजिएगा ध्यान दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दिल के लिए और कान के लिए इस्तेमाल हुआ ख़त्म व अला समहीम कि दिलों पे मुहर लग गई है और कानों पे मुहर लग गई है आँख के लिए इस्तेमाल हुआ है कि आंख पे पर्दा पड़ गया है उसके लिए मोहर कलम नहीं इस्तेमाल हुआ आंख के लिए इस्तेमाल हुआ है वाला अब आंख पर्दा पड़ गया दिल पे मोहर लग गई कान पे मोहर लगी। इसमें एक बारीक नुकता है कुरान के जो अल्फाज होते हैं उनका इस्तेमाल भी बड़ा हकीमाना होता है और उसमें किसी नुकते की तरफ इशारा होता है आप देखिए सुनने की जो सलाहियत है हर तरफ की आवाज सुनेंगे ना आप सामने से आवाज़ आए वो भी सुनेंगे दाएं से आए वो भी सुनेंगे बाएं से आए वो भी सुनेंगे पीछे से आए वो भी सुनेंगे ऊपर से आए वो भी सुनेंगे नीचे से आवाज आए वो भी सुनेंगे तो ये जो समा है कान सुनने की जो सलाहियत है ये हर तरफ से अखज़ करती है और गौरव फिक्र जो है वो भी हर तरफ से हर तरह की चीज़ों पर गौर करेंगे आप आसमान की चीज़ें हो जमीन की चीजें हो कहीं की भी गौरव फिक्र के भी हर तरफ से जो है सोर्सेज उसके हैं लेकिन पीछे देख सकते हैं नहीं देखेंगे देखेंगे सामने तो देखने की जहां तक बात है वहां पर्दा डाल दीजिए बात खत्म हो गई लेकिन अगर समाज को सल्व करना है तब क्या होगा वहां मोहर लगानी होगी ताकि कहीं से भी आवाज ना आए कल्ब की सलाह को अगर सल्व करना है तो वहां मोहर लगेगी सिल बंद करेंगे उसे तो उसकी तरफ इशारा है ये कुलूब के लिए और समात के लिए तो इस्तेमाल हुआ ख़त्म अल्लाह हु उलूब इम हिम अल्लाह दिलों पर और कानों पर क्या लगा दिया मोहर लगा दिया अब कुछ भी ये गौर नहीं करते हैं सुनते नहीं हैं आँख के लिए सिर्फ पर्दा काफ़ी है इसलिए एक आँख तो सामने ही देखती है तो उसका लिहाज देखे यहाँ क़ुरान ने किया है दो चीज़ों के लिए ख़त्म क़लब इस्तेमाल हुआ है और एक चीज़ के लिए वह अला अबसारहिम खर्शा हुआ वल्मा अदाब उन अजीब और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब बहुत बड़ा अजाब उससे मुराद क्या है जहन्नम का अजाब इसलिए कि जब बड़ी नेमत का जिक्र होता है तो उससे मुराद जन्नत है और बड़े अजाब का जब ज़िक्र होता है तो उससे मुराद जहन्नम बाकी दुनिया में भी उनके लिए चीज़ें हैं लेकिन जो असल अजाब है वो कहाँ है वो आखिरत में है तो यहाँ इन दो आयतों में एक ख़ास गरोह का जिक्र किया गया है और यह गरोह कौन सा है ये लीडरों का गरोह है सरदार हैं ये कुफ़ार और मुशरक़ी और अहले किताब के जो सरदार हैं उनका जिक्र किया गया है और बताया गया है कि ये सुधरने वाले नहीं ये राय रास्त पर आने वाले नहीं अच्छा ऊपर जो मुतकीन की सिफात बयान की गई हैं उसी की रोशनी में अगर इन आइमतुल्कफ़्र को देखना हो उसी आईने में तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ जो सिफात बयान की गई है मतकीिन की उसी के बरअक्स सिफात इनकी है वहाँ पहली सिफत क्या थी कि वो गैब में रहते हुए ईमान रखते हैं इनका हाल ये है कहते हैं कि जब तक हम देखेंगे नहीं मानेंगे यहूद कहते थे हजरत मूसा सलाम से अरे ना जयरतन हमें दिखाओ अल्लाह को दिखाओ तब मानेंगे हम ये महसूसात पर यकीन रखते हैं अपनी अकल से काम नहीं लेते ग फिक्र से काम नहीं लेते जो दलाइल हैं उन पर गौर नहीं करते जो मुतकी लोग हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो तो ग़ैब में रहते हुए ही मान लाते हैं दलाइल की रोशनी में गौर फिक्र की रोशनी में इनका हाल क्या है इनका हाल ये है कि सिर्फ़ जिसको देखेंगे महसूस करेंगे उसी को सिर्फ मानेंगे ये इनका हाल है उनकी दूसरी सिफत क्या थी उनकी दूसरी सिफत ये थी कि वो अल्लाह के सामने झुकते हैं नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की इबादत करते हैं इनका हाल ये है यहूद ने नमाज को ज़ाया कर दिया मुशरकिन ने नमाज़ को ज़ाया कर दिया नमाज की अहमियत ही को ख़त्म कर दिया अल्लाह को याद ही नहीं करते अल्लाह का कर ज़िक्र ही नहीं करते अल्लाह से अपने तल्ल को मज़बूत ही नहीं करते और उनकी तीसरी सिफत क्या थी अल्लाह ने जो कुछ दिया उसमें से ख़र्च करते हैं इनफाक़ और ये इतने वकील हैं कि ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं इनकी मुठ्ठी बंद रहती बल लोग हैं ये हरीस लोग हैं माल की मोहब्बत है दुनिया की मोहब्बत है बिल्कुल तमाम चीज़ें यहाँ क्या हैं आपको बरक्स नजर आएंगी वहाँ जो सिफात है उसके बिल्कुल जो बरक्स सिफात है वो इनके अंदर पाई जाती है चौथी सिफत उनकी क्या थी चौथी सिफत उनकी ये थी कि वो तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं जो नेक लोग हैं अले ईमान लोग हैं इनका इन कहा कि अपने अलावा किसी को मानने के लिए तैयार नहीं सिर्फ अपने आप को बरसर हक़ समझते हैं सबका इनकार करते हैं मुतासिब लोग हैं तंग नजर लोग हैं कुशादगी नहीं इनके दिल में बहुत तंगी इनके यहाँ और उनकी पाँचवीं सिफत ये बयान की गई थी कि आखिरत पर वो यकीन रखते हैं अपनी आँखों के सामने वह आखिरत को वो देखते हैं क़्यामत को वो देखते हैं इनका हाल ही है कि आखिरत पर ढुलमुल यकीन है मानते ही नहीं मानना ना मानना दोनों इनका बराबर है आखिरत का अकीदा इनका कमज़ोर है तो ये दूसरा ग्रोह है जिसका यहाँ तस्करा किया गया है और हर ज़माने में इस तरह के ग्रोह होते हैं जो लीडर होते हैं जो पूरी कौम को लेकर के जाते हैं उनका हाल ये ही जानबूझ करके आज भी जो लीडर हैं चौधरी जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम बरहक है पैगम पैगम्बर इस्लाम को जानते हैं कुरान की सदाकत और हकानियत को जानते हैं लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि हमारा इकतदार खतरे में पड़ जाएगा हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी तो कुछ हमें हासिल है उससे हम महरूम हो जाएंगे जान बूझ करके हसद की वजह से बोग्स की वजह से इनाद की वजह से वो नहीं मानते यहूद का हाल तो ये था कि वो अच्छी तरह जानते थे कि यह बर हक है या रे फून कमा यारे फू नब न कुरान ने कहा कि जिस तरह से अपने बेटों को पहचानते उस तरह से पहचानते पैगंबर को क्यों क्योंकि तौरत में बशारतें मौजूद हैं दशहरा भी जानते हैं क्योंकि खुद इंजील के अंदर नबी वसल्लम की बशारतें मौजूद हैं इंजील में तो नाम के साथ है कि वो आखिरी पैगंबर आएगा उसका नाम अहमद होगा वह मुबशरन बे रसूली याति मिम्बाद अहमद हजरत ईसा इस्लाम का ख़ास मिशन था मुबशर बन करके आए थे क्योंकि उन्हीं के बाद नबी सल्लम आने वाले थे बीच में कोई पैगम्बर नहीं तो इंजील में बशारतें हैं आज तहरीफ के बावजूद भी बशारतें मौजूद हैं जानते थे कि ये बरसरे हक हैं यही पैगम्बर आखिर उस जबा है जानबूझ करके वो ईमान नहीं ला हसद की वजह से यहूद कहते थे कि हमारे खानदान से होना चाहिए था बनी इसराइल में से होना चाहिए था। बनी इसराइल में से कैसे हो गया अरबों के अंदर भी खानदानी असबियत थी अबू जहल क्या कहता था कि ये बनो हाशिम के लोग हर मैदान में आगे जा रहे हैं हम इनका मुकाबला कर रहे हैं अब इन्होंने कह दिया कि हमारे अंदर पैगंबर आए हम कहाँ से पैगंबर लाएंगे हम नहीं मानेंगे जानते थे लेकिन हसद की वजह से असबियत की वजह से आज भी देखिए खानदानी असबियतें नस्ली असवियतें हैं और उसकी बुनियाद पर हक़ का लोग इनकार कर रहे हैं तो क़ुरान मजीद ने यहाँ जो अइमतुल्कुफ़्र हैं जो सरदारान हैं उनका जो नक्शा खींचा है उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर ज़माने में इस तरह के लोग होते हैं जानबूझ के हक का वो इनकार करते हैं तो हमें आम लोगों से मायूस नहीं होना चाहिए आम लोगों में काम करना चाहिए इस्लाम का पैगाम पहुंचाना चाहिए दावत का काम करना चाहिए ये अगर नहीं मानते हैं ना माने इन पर भी काम होगा लेकिन अगर ये नहीं मानते हैं तो ठीक है आम लोगों पर काम होगा और इसमें जो ख़ास तौर से इशारा है वो इस बात की तरफ है नबी तसल्ली दी जा रही और ये कहा जा रहा है कि आप ये मत समझिएगा कि आपकी दावत और तबलीग में कोई कमी है ऐसा नहीं है ये इनके ان अंदर कमी है आपकी दावत आपकी तबलीग में कोई कमी नहीं है इसलिए हो सकता ना। है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पहुंचाने में कोताही हो रही मान नहीं रहे हैं कहा जा रहा है नहीं नहीं, नहीं। इनके दिलों पे बाहर लग गई है ये तो गौर ही नहीं करते हैं सुनने के लिए तैयार नहीं।, नहीं है देखने के लिए तैयार नहीं आपकी दावत में कोई कमी नहीं है आपके पैगाम रसानी में कोई कमी नहीं है आपके इंतजार में कोई कमी नहीं है कभी इनके अंदर है गर नबीनत बरोपर चश्म चश्मए आफ्ताब राच गुना चमगादुड़ अगर दिन में न देखे तो सूरज का कोई कसूर है सूरज का कोई कसूर इसमें नहीं ना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है और इनके लिए वार्निंग है कि ठीक है तुमने जो तरीका अपनाया है तो तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो अल्लाह की गिरफ्त को दावत दे रहे हो अल्लाह की पकड़ से तुम बच नहीं सकते हो दुनिया में भी और आखरत में भी तो ये दूसरा ग्रोह है जिसका जिक्र यहाँ किया गया इन दो आयतों में इसके बाद एक तीसरे ग्ररोह का जिक्र आगे आएगा और वो ग्रोह है मुनाफिकीन का उस वक्त ये तीन ग्ररोह मौजूद थे एक मोमिन मखिलसिन का ग्रोह था एक ये कुफ़ार और नाशुकरे लोगों का ग्रोह था और एक मुनाफिकीन था तो उस ग्रोह का जिक्र आगे की आयतों में इनशाला आएगा अल्लाह ताला हमें आयत कुरानी पे सही तौर से ग़ौर करने की तौफीक दे उसकी रोशनी में हमें अमल करने की तौफीक दे और इस कुरान के पैगाम को आम करने की तौफीक दे आमीन व आखिर दावाना अनिलहमदिल्ल रब्बिल आलमीन